रॉकी रंधावा दिस साइड. शिट्स यार, आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो. नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू. आई वाज ओयो. फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आज अपने तीसरे दिन भी एक तरह से बिगेस्ट ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है. और दोस्तों, आज की ग्रोथ के साथ ही ये भी कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म साबित होने वाली है. लेकिन दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त की पैन इंडिया फिल्म लियो से उनका जो फर्स्ट लुक पोस्टर कर रिवील किया गया था, वो दोस्तों ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है. और दोस्तों, उस ग्लिम्स को अभी कितने लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं. बात करने वाले हैं दोस्तों फिल्म ओ माय गॉड 2 के बारे में, जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है. और दोस्तों, ये फिल्म 11 अगस्त यानी कि आज से 11 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है. साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों यहां पर तेलुगु फिल्म ब्रो द अवतार के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस के बारे में. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म ब्रो द अवतार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको पवन कल्याण और साई तरम तेज नजर आए हैं. वहीं दोस्तों, इस फिल्म का डायरेक्शन किया है समुक्ति करण ने. दोस्तों बताते चले आपको कि यह एक ब्रो रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में आपको पवन कल्याण और साई धर्म तेज की रोमांस देखने को मिलने वाला है. साथ ही साथ दोस्तों, इनका एक्शन भी फिल्म में काफी गजब का है. बात की जाए दोस्तों अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पावर स्टार पवन कल्याण की तेलुगु स्टेट में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और वहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार माने जाते हैं. ये वजह है दोस्तों कि ब्रो द अवतार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन एक रिकॉर्ड ओपनिंग लेते हुए इस साल की टॉप तेलुगु फिल्म बन चुकी है. और अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर पार किया. तो वहीं दोस्तों, इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन लगभग 44 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा. ऑडियंस की तरफ से दोस्तों ब्रो द अवतार को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. तो वहीं दोस्तों, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रेटिंग्स दी है. यही वजह है कि अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है. अगर बात की जाए सेकंड डे की, तो दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ रुपए कमाए. तो वहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 28 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही. शुरुआती दो ही दिनों में दोस्तों, यह फिल्म दुनिया भर से 71 करोड़ रुपए की हिस्टोरिकल कमाई कर चुकी है, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है. आज इस फिल्म का दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन है और आज भी यह फिल्म काफी अच्छा होल्ड करती हुई नजर आ रही है. और यही वजह है कि आज अपने तीसरे दिन के भी इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं. ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती तीन ही दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो 90 से 95 करोड़ रुपए के बीच के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है. और इसी के साथ ब्रो द अवतार बॉक्स ऑफिस पर अभी तक तो एक सुपर हिट ट्रेंड कर रही है. अब देखना यही है कि विगड़ेस में इस फिल्म का जो होल्ड है वो कैसा होता है. बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म की, तो दोस्तों दूसरी फिल्म है यहां पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते रिलीज किया गया है. और दोस्तों, इस फिल्म में आपको रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी एक बार फिर से नजर आई है. बताते चले दोस्तों आपको कि रॉकी और रानी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 3200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. और इन 3200 स्क्रीन्स पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 11.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ली. तो वहीं दोस्तों, लगभग 23.50 करोड़ रुपए इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमाए. ये फिल्म दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सेकंड बिगेस्ट ओपनर फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई और इस फिल्म ने तू झूठी में मक्कार के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया. लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के सेकंड और थर्ड डे के कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है. साथ ही साथ दोस्तों, काफी अच्छी ग्रोथ के साथ इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 16.10 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की है. तो वहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही है. ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पसंद कर रही है. और रणवीर सिंह की एनर्जेटिक कॉमिक टाइमिंग, साथ ही साथ दोस्तों आलिया भट्ट की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग को ऑडियंस एंजॉय कर रही है. यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 29 करोड़ रुपए कमाए हैं. लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को अपने तीसरे दिन भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है. आज की एडवांस दोस्तों इस फिल्म की 5.5 करोड़ रुपए की थी. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 30 से 35% की थी, जो कि कल की ऑक्यूपेंसी
करेंसी से लगभग 10% की ज्यादा ग्रोथ है। आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिल रही है। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 18 से 19 करोड़ या फिर 20 करोड़ के आंकड़े को भी शाम तक पार कर सकती है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज 28 से 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का कलेक्शन 80 करोड़ रुपए का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। और दोस्तों फाइनली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म की तरह ट्रेंड कर रही है। अब देखना यही है कि क्या ये फिल्म भी अपने बजट की रिकवरी अपने विगड़ेस में कर पाती है या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अब इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो ब्लडी स्वीट के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और इस फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त के बर्थडे पर लियो से उनका फर्स्ट लुक ग्लिम्स रिलीज किया गया है। और दोस्तों इस ग्लिम्स में जिस तरह का स्वैग और जिस तरह का अवतार संजू बाबा का हमें देखने को मिला है वो काफी इंप्रेसिव है। संजय दत्त और थैलापैथी विजय के बीच का जो फेस ऑफ हमें लियो ब्लडी स्वीट में देखने को मिलने वाला है दोस्तों, उसके लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी वजह से दोस्तों कल इस फिल्म के जो फर्स्ट लुक टीजर को रिलीज किया गया था, जिसे कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा लोग लाइक्स कर चुके थे, जो कि एक तरह से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को 24 घंटे में मिले हुए लाइक से। ऑडियंस दोस्तों लियो के लिए जिस तरह से एक्साइटेड है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक इस फिल्म के ग्लिम्स को ही 5 लाख से ज्यादा लोग लाइक्स कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अभी तक 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी हासिल हो चुके हैं। सुपरस्टार संजय दत्त के साथ साथ इस फिल्म में आपको थैलापैथी विजय, त्रिशा कृष्णन और भी कई सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दोस्तों लोकेश कनगराज यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसे की हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इस साल दशहरे के मौके पर रिलीज किया जाना है। और दोस्तों ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग लेने वाली है, जिसे की हिंदी में ही लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है और दुनिया भर में यह फिल्म लगभग 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। अब देखना यही है कि सुपरस्टार संजय दत्त के जुड़ने के बाद इस फिल्म की जो ओपनिंग है वो क्या होती है। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब आने वाली फिल्म यानी कि दोस्तों ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर और इस फिल्म से जुड़ी खास अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों अमित राय के डायरेक्शन में बनने वाले ओ माय गॉड 2, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज से सिर्फ 11 दिनों बाद ही रिलीज किया जाना है, इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक भी रिलीज नहीं किया गया है। उम्मीद हैं दोस्तों कि सेंसर की तरफ से इस फिल्म को जो 20 कट और एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था उसके बाद भी इस फिल्म के मेकर्स अभी तक इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज नहीं कर पाए हैं। अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड रिलीज करने की प्लानिंग तो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इस फिल्म के ट्रेलर को कब रिलीज किया जाएगा। आज या कल में अगर दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं होता है तो दोस्तों ये कंफर्म हो चुका होगा कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को रिलीज ना करते हुए इसकी जो रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बताते चले दोस्तों आपको कि कुछ हिंदू संगठनों की वजह से इस फिल्म की जो रिलीज है उसे अभी रोक लगा दिया गया है। सुपरस्टार अक्षय कुमार हमेशा से ही कुछ अच्छा सब्जेक्ट लेकर आते हैं और वो हमेशा से ही देश और हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके पीछे जिस तरह से यह बॉयकॉट गैंग लगी हुई है उसके बाद बता दूं आपको कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को शायद ही रिलीज हो पाए। हालांकि दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जब भी रिलीज होगी एक बड़ी ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लेने वाली है और इस साल की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर भी बनने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओ माय गॉड 2 को क्लैश गदर 2 से करना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों आप इन फिल्मों में किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार बेसब्री से कर रहे थे हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।